स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल SYJ कॉम्प्लेक्स चारमीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। बढ़ते ट्रैफिक चालानात को लेकर BBN चैनल को कई मैसेजेस मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वो पहले से ही परेशान हैं, ऐसे में चालानात से उन्हें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए BBN चैनल चालानात के शिकार ऐसे परेशान हाल लोगों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहा है कि वो चालानात से हो रहे परेशानी को वीडियो के जरिए रिकॉर्ड करें और इस वीडियो को BBN चैनल के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करें, जो डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस परेशानी और मसले को हुकूमत से वाकिफ करवाएं। आइए अब देखते हैं 19 मई की 25 अहम खबरें। UN सिक्योरिटी काउंसिल अरब कंट्री समेत पूरी दुनिया की अपीलों को इसराइल ने रखा जूतों की नोक पर। गजा पर जारी रखे वहशियाना हमले, अब तक 63 बच्चों समेत 217 फलस्तीनी हुए शहीद, हमास ने फिर दागे रॉकेट। इसराइली हमलों के खिलाफ फलस्तीनियों ने मनाया यौम नकबा यानी गम व गुस्से का दिन। एहतजाजी फलस्तीनी मुजाहरीन पर इसराइली फोर्स ने की फायरिंग, एक जाँ बहक, दर्जनों हुए जख्मी। इसराइली PM नेतन्याहू ने हमले जारी रखने का किया ऐलान। इसराइल से अमन माहिदा करने वाले मिडल ईस्ट के मुल्क जॉर्डन ने इसराइली हमलों के पेश नज़र इसराइली सफीर को मुल्क से बेदखल करने की दे दी धमकी। बहुत जल्द गैर मुल्की सयाहों यानी फॉरेन टूरिस्टों को आने की इजाज़त देगा सऊदी अरब, तारीख का भी होगा जल्द ऐलान। कोरोना से सेहत याब और वैक्सीन लेने वाले अफराद पर से क्वारंटाइन में रहने की पाबंदी भी हटा ली गई। हुकूमत हिंद ने दी व्हाट्सएप को वार्निंग, कहा अगर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं ली गई वापस तो होगी कार्रवाई। व्हाट्सएप मैनेजमेंट को दिया 7 दिनों का टाइम। 1 जून से सोने पर हॉलमार्किंग होगी कंपलसरी यानी लाजमी, सोने के जेवरात 1 जून से 14, 18 और 22 कैरेट में ही फरोख्त होंगे। वैक्सीन टूरिज्म का नया दौर हुआ शुरू, अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 2 डोज लेने पर 1,29,000 में रूस के ट्रिप का दिया जा रहा है ऑफर। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लेने के बाद कितने लोग हो रहे हैं पॉजिटिव, आदादोशुमार हुए जारी। सिर्फ 0.13% लोग ही हुए हैं वैक्सीन डोज लेने के बाद पॉजिटिव। वैक्सीनेशन पॉलिसी फिर हुई चेंज, अब कोरोना से ठीक होने के 3 महीनों बाद लगवाई जाएगी वैक्सीन, दूध पिलाने वाली माएँ भी लगवा पाएंगी कोरोना का टीका। मणिपुर की हुकूमत ने जारी किया अहम हुक्म, कहा कोरोना के माहौल में वैसे ही लोगों में है डर का माहौल, इसलिए एम्बुलेंस का ना बजाया जाए सायरन। सिंगापुर के कोरोना वेरिएंट को बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताने वाले केजरीवाल पर टूट पड़े BJP लीडर्स, कहा ऐसी घटिया सियासत क्यों कर रहे हैं केजरीवाल जिससे फॉरेन से मदद मिलना हो जाए बंद। सिंगापुर के कोरोना वेरिएंट पर केजरीवाल के दावे पर मचा सियासी हंगामा, मनीष सिसोदिया ने कहा मोदी सरकार को सिंगापुर में अपने इमेज की फिक्र, देश के बच्चों की नहीं, पहले भी मोदी सरकार की लापरवाही का खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा था। राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर तंजिया ट्वीट, इस मरतबा वैक्सीन शॉर्टेज और बढ़ती हलाकतों पर कहा ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर हकीकत छुपाओ, यही है मोदी सरकार की पॉलिसी। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के अपने बयान से BJP के लिए परेशानी खड़े करने वाले नितिन गडकरी ने अब दी सफाई, कहा नहीं पता था कि हुकूमत पहले से ही इस सिमत में कदम उठा रही है। गुजरात में साइक्लोन ताकते से तबाह हुए इलाकों का मोदी ने किया एरियल सर्वे, तो महाराष्ट्र NCP लीडर नवाब मलिक ने कहा महाराष्ट्र में भी साइक्लोन से हुई तबाही लेकिन नहीं हुआ कोई सर्वे, ये खुली पार्शियलिटी नहीं तो और क्या है। मुंबई में तूफान तोकते से बड़ी तबाही, डूबने से 22 लोगों की हुई मौत, 51 अभी भी लापता, नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। अभी साइक्लोन तोकते की तबाही से उभर भी नहीं पाए हैं कि एक और तूफान की जारी की गई वार्निंग जो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के साहिलों से टकरा सकता है। नारदा रिश्वत केस के जरिए CBI का ममता बनर्जी के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश, कलकत्ता हाई कोर्ट से की केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग, ममता के गिरफ्तार मिनिस्टर्स की मांगी पुलिस कस्टडी। तेलंगाना हुकूमत ने किया एक और बड़ा फैसला, रियासत के तमाम पेट्रोल पंप्स पर लॉकडाउन का नहीं होगा असर, मामूल के औकात में खुले रहेंगे पेट्रोल पंप्स। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में COVID-19 के टीकों के 10 मिलियन डोज हासिल करने के लिए तलब किए ग्लोबल टेंडर्स, 4 जून बोली लगाने की है आखिरी तारीख।
तेलंगाना के सीएम केसीआर ने गांधी अस्पताल का किया मुआयना, कोविड के मरीजों के बेहतर इलाज की दी हिदायत, मरीजों से मुलाकात करते हुए की इयादत। सीएम केसीआर ने डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चरल को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन किया मुकर्रर, कमेटी के दीगर अरकान में एक भी मुस्लिम नहीं हुआ शामिल। हैदराबाद के मजाफात में एक मुस्लिम ड्राइवर को पुलिस ने बनाया ज्यादती का निशाना, पिटाई करने के बाद कहा पाकिस्तान चले जाओ। खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। अब जायद फीस वसूल करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ की जा सकेगी व्हाट्सएप नंबर 9154170960 पर शिकायत, की जाएगी कड़ी कार्रवाई। तेलंगाना के रामगुंडम पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स के गोदावरी खनी के विठल नगर और तिलक नगर में केमिकल प्लांट से लीक हुई गैस, आवाम में तशवीश की लहर, किसी किस्म का नहीं हुआ नुकसान। ये थी 19 मई की 25 अहम खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करता है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चारमीनार।